स्टूडेंट्स वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू लाइव क्लासेस. टुडे वी विल लर्न हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 7. सो ओपन योर हिंदी वर्कबुक. लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया था. टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर 45. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1, शिवाजी मालवजी के से किस तरह प्रभावित हुए. आंसर आएगा मालवजी शिवाजी का वध करना चाहता था. वध की इच्छा का कारण जानकर टर्न पेज. शिवाजी उसके प्रति क्षमाशील हो गए थे. उनके हृदय में मालवजी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था. जब तक वह अपनी माँ के दर्शन कर नहीं लौटता तब तक वे उसी बालक के बारे में सोचते रहे. शिवाजी मालवजी की वीरता निडरता साहस देखकर प्रभावित हुए. क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी ने मालवजी की कौन सी इच्छा पूरी की क्यों. तो मृत्युदंड पाने से पहले मालवजी ने अपनी माँ का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी. शिवाजी ने इस बात की अनुमति दी. मालवजी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी माता के दर्शन कर अवश्य लौट आएगा. शिवाजी उसकी प्रतीक्षा लेना चाहते थे. उन्होंने मालवजी के साहस और सत्यवादिता की परीक्षा लेने के लिए माँ के दर्शन करने की इच्छा पूरी की. क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी ने मालवजी की परीक्षा कैसे ली. आंसर, शिवाजी ने मालवजी को मृत्युदंड लेने का दिखावटी भय दिखाया. मालवजी ने मृत्युदंड से पहले माँ के दर्शन करने की अनुमति मांगी. उसने प्रतिज्ञा की कि वह माँ के दर्शन करके जल्दी लौट आएगा. शिवाजी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे. मालवजी माँ से मिलकर लौट आया. इस प्रकार शिवाजी ने मालवजी की परीक्षा ली. क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी मालवजी को अपने सेना में क्यों भर्ती करवाना चाहते थे. आंसर, मालवजी क्षत्रिय पुत्र थे. उसमें वीरता और साहस फूट फूट कर भरे थे. वह सत्यवादी और अपने वचन का पक्का था. वह अपनी माता का भक्त था. शिवाजी का विश्वास था कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रहेगा. इसलिए शिवाजी अपनी सेना में भर्ती करना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 5, मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता था. मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार में के भरण पोषण की परवाह नहीं की. दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे. उसी समय एक सैनिक ने शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया. तो शिवाजी ने सैनिक ने क्या कहा कि आप शिवाजी की हत्या कर दो तो मैं आपको धन दूंगा. तो इस लालच में मालवजी ने क्या किया, शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए. 6, स्पष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए. आंसर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे. युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी. मालवजी मानते थे कि जिस वीर पेज नंबर 47, सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था. यह सोचकर मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया. आंसर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे. उनको मरे 2 वर्ष हो गए थे. तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया. मालवजी अपनी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था. उसी समय एक सैनिक ने मालवजी को शिवाजी का वध करने पर धन का लालच दिया. तो उसी लालच में आकर वह वध करने के लिए तैयार हो गया. क्वेश्चन नंबर 8, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की. तो आंसर आएगा, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उसका वध क्यों करना चाहता था. क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था. क्या उन्होंने उससे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी. क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतीक्षा पर धब्बा लगाया था. इस प्रकार की शंकाएं व्यक्त की. क्वेश्चन नंबर 9,
तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, क्यों? तो आंसर रहेगा, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? आंसर, शिवाजी ने मालवजी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। मालवजी को भी यह पता था कि शिवाजी उसके इस अपराध के लिए मृत्युदंड अवश्य देंगे। मालवजी की मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह माँ की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखे वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, दंड भोगना तो सजा पाना, दंड भोगना यानी सजा पाना। सेंटेंस, चोर को अपराध करने के लिए दंड भुगतना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राण न्योछावर करना, जीवन समर्पित करना। सेंटेंस, सैनिक ने देश की रक्षा करने के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। टर्न पेज। 3, वध करना यानी हत्या करना। सेंटेंस, देव ने दानव का वध कर दिया। 4, आंखें खुलना यानी चाक जाना। आंसर, जो सेंटेंस है वो बनेगा, मेरी आंख सुबह 7 बजे खुल गई। प्राण गवाना यानी जान देना। सेंटेंस बनेगा, उसने देश के लिए अपने प्राण गवाए। 6, फुट फुट कर भरी होना, फुट फुट कर भरी होना यानी खूब भरी होना। इस बालक में वीरता फुट फुट कर भरी है। कसर न रखना यानी कमी न रखना। छात्र ने परीक्षा में मेहनत करने में कोई कसर न रखी। छाती से लगाना यानी प्रेम करना। माँ बच्चों को छाती से लगा लिया। हिम्मत न पड़ना यानी साहस न होना। झूठ बोलने की मेरी हिम्मत न पड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उचित उक्ति कौन किसे कहता है? फर्स्ट, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम्हें मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी बोल रहे हैं और मालव जी से कह रहे हैं। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, मालव जी शिवाजी से कहते हैं। मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, तानाजी शिवाजी से कहते हैं। तुम्हारी ऐसे सेनानायक पर भारत माता गर्व करती है, शिवाजी तानाजी से कहते हैं। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है, दरबान शिवाजी से कहता है। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, शिवाजी मालव जी से कहता है। महाराज, यह शरीर आपका है, मालव जी शिवाजी से कहता है। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको होमवर्क में करना है। ओके, स्टे होम स्टे सेफ एंड की प्लानिंग। बाय।